दोस्तों आज नेटफ्लिक्स वालों ने एक नई मूवी को रिलीज किया है जिसका नाम है लव एट फर्स्ट साइट। इस मूवी को दोस्तों हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि मूवी की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा छोटी है, जो कि लगभग 1.5 घंटे की। तो मूवी कैसी है दोस्तों, इस मूवी को अपना टाइम देना सही है नहीं, या फिर भाई इस मूवी को इग्नोर करना ही सही है, तो सारी चीज़ों को जानने के लिए बड़े को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि कहानी में क्या इंटरेस्टिंग है। नाम देखकर दोस्तों मूवी का नाम जिस तरीके से रखा गया है बिल्कुल वो सारी चीज़ें मूवी उसी को डिस्क्राइब करती है, लव एट फर्स्ट साइट को। यहाँ पर दोस्तों हमें दो कैरेक्टर दिखने को मिले हैं, जो कि है दोस्तों ओलिवर और एक है हार्डली। ये दोनों दोस्तों मिलते हैं एक फ्लाइट में, जहाँ पर दोस्तों पहले तो एयरपोर्ट में दोस्तों थोड़े नजर आए थे, लेकिन फ्लाइट में इनकी मुलाकात होती है। और जिस तरीके से दोस्तों ओलिवर इससे इनकी हार्डली को अप्रोच करता है और उनकी जो स्टोरी होती है, बातचीत होती है, दोनों में दोस्तों एक कनेक्शन टाइप का बन जाता है, जो कि हमें नजर आता है। और धीरे धीरे दोस्तों ये फ्लाइट से दोस्तों निकल जाते हैं, मतलब वहाँ पर उनकी बातचीत होने के बाद। लेकिन आगे ट्विस्ट ये दिखाया गया मूवी में कि दोस्तों जो दोनों जब अलग होते हैं तो दोनों के पास मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होता है वापस से मिलने का। तो वहीं पर दोस्तों ट्विस्ट दिखाया गया कि आखिर में हार्डली किस तरीके से वापस से ओलिवर से कनेक्ट करेंगी और इन दोनों का किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेंगी, वही हमें दोस्तों मेन जो है इस मूवी में वही ट्विस्ट दिखाया गया। तो यही सिंपल स्टोरी में हमें देखने को मिलता है, लेकिन आगे क्या कुछ नया देखने को मिलता है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें होती है जिसे दोनों मिलते हैं या नहीं, वो तो भाई ट्विस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। सस्पेंस उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट किया है। दोस्तों मुझे पॉजिटिव ये लगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती स्टोरी को खींचने की कोशिश नहीं की, जहाँ पर जितनी ड्यूरेशन पर मूवी बननी चाहिए थी उतना ही समय इन्होंने दिया है, मतलब 1.5 घंटा इनफ है। अगर इन लोग 2 घंटे तक भी मूवी को खींचते तो दोस्तों थोड़ा इन्हें समझ में आता कि भाई स्टोरी खींची गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली वर्क इसके मेकर्स ने किया है। बात करें हिंदी डबिंग की तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस तो ये दोनों कैरेक्टर की सुपर्ब है, जहाँ पर आपको डायलॉग हिंदी के जो डायलॉग्स है वो आपको काफ़ी सुपर्ब लगेंगे, जो कि आप उसको एंगेज रखते हैं, स्टोरी के हिसाब से मज़ा आता है। ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूँगा कि एक अच्छी खासी मूवी है, जो कि आप इसे इन्जॉय कर सकते हो, बिल्कुल अलग फीलिंग आपको देंगी और मज़ा भी आएगा। तो जाकर जरूर चेकआउट करना, नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज़ हो गई है। चलिए अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।